मैं अक्सर ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को, कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, या फिर इंटर्नशिप्स सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। इंटर्नशिप क्या होता है, उसके मतलब क्या होते हैं, उसका पूरा बेनिफिट कैसे ले, इस पर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था और आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट करके बोला, सर आपको तो, आप तो इंटर्नशिप देने वाले में से हो, आपने इंटर्नशिप ली थी कब पता नहीं, 15-20 साल पहले, तो आपकी नॉलेज आउटडेटेड है। तो आज हमारे साथ है द मैवरिक बख्श खुराना। ये 22 साल के हैं, ये आपके जेनरेशन के हैं, इन्होंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स दी भी है, की भी है, और आज के ज़माने में की है। तो मैं बख्श आपसे जानना चाहता हूँ इंटर्नशिप्स के बारे में, आपका ओवरऑल इंटर्नशिप्स के बारे में क्या व्यू है? यार तो एक्चुअली मेरा व्यू और आपका व्यू अलग है, हमने इसके बारे में बात भी किया है। मेरा ओपिनियन है कि एवरी इंटर्नशिप इज ROI नेगेटिव फॉर द कंपनी। हाँ, इंटर्न्स हायर करना कंपनी के लिए जनरली ROI नेगेटिव, मतलब कंपनी तुम्हें फेवर कर रही है तुम्हें इंटर्नशिप देके। यस, एंड फिर तुम जाके सोशल मीडिया पे बोलोगे कि यार ये पैसे नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ 2000 रुपए दे रहे हैं। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये अपना टाइम दे रहे हैं, जो 2000-7000 जो भी तुम कमा रहे हो उसके कंपेरिजन में कुछ नहीं है। तो अगर आप इस माइंडसेट में एक कंपनी के पास जाओगे कि यार वो आपको फेवर कर रहे हैं, आपको उनको सर्विस करना है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एक्चुअली आई कंप्लीटली अग्री विद दैट कि इंटर्नशिप कंपनी के लिए नेट नेगेटिव है, बट आई स्टिल थिंक कि कंपनी को इंटर्नशिप्स ऑफर करनी चाहिए। उसके दो रीज़न हैं। पहला, कई सारे इंटर्न्स, अच्छे इंटर्न्स, अगर बहुत सारे इंटर्न्स किए तो वो कन्वर्ट होकर आपके पास फुल टाइम बनेंगे, और जहाँ पर कोई अपना करियर शुरू करता है, जहाँ उन्हें करियर के अर्ली डेज में ग्रोथ मिलती है, वो उसे वैल्यू करते हैं। तो एज अ कंपनी आई प्रेफर कि लोग इंटर्नशिप करने आए और फिर फुल टाइम में कन्वर्ट हो। दूसरा, कई सारे कंपनी में ऐसे काम होते हैं जो फुल टाइम स्टाफ करेगा तो हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट चला गया इस पर, उस बंदे का ROI नेगेटिव हो जाएगा, तो वो इंटर्न से करवा लो, वैसे ही ROI नेगेटिव है, काम अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ हटके जो काम करना हो वो कर लो। एंड थैंकफुली आई हैव बीन लकी, आपके कॉलेज से कई सारे मेरे इंटर्न्स रहे, उनमें से एक ने तो $1 billion स्टार्टअप भी प्रॉपर वाला बनाया है, लाइक प्रॉपर यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बनाया। सो आई हैव बीन लकी दैट वे टू फाइंड गुड इंटर्न्स। सो फ्रॉम अ स्टूडेंट एंगल, अगर या यंगस्टर एंगल, कि आप कह रहे हो कि अगर कोई इंटर्नशिप करने जा रहा है तो पैसा मत देखो, लर्निंग देखो, हाउ डू यू डिफाइन कि किस टाइप की कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहिए, किस टाइप का काम ढूंढना चाहिए, इन पर्सन करना चाहिए, रिमोट करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताओ कि इंटर्नशिप कैसे ढूंढे, किस टाइप का ढूंढे, चूज कैसे करे, कब ज्वाइन करे, कब छोड़े, कितने पैसे मिले। मैं आप पूरा ही बता दूं, मेरे कोई सवाल ही नहीं पूछना, आप अपने हिसाब से बताएं। तो मेरा फर्स्ट ओपिनियन है कि अगर इंटर्नशिप आपको 25,000 रुपीज से कम दे रहा है पर मंथ, आपको नहीं लेने चाहिए पैसे। क्या बात कर, आपको बस अगर वो 15-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, आप बोलो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में काम करूंगा एंड मैं सेम आउटपुट दूंगा। रीज़न इज सिंपल कि यार ये पैसा ना हैंडकफ होता है। आपने अपने बॉस से पैसे ले लिए तो फिर आप अटक गए हो, आप 15 दिन में छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपको लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है फिर भी आप नहीं छोड़ पाओगे। एंड द ब्यूटी ऑफ इंटर्नशिप्स इज, एंड आई नो एज एन एम्प्लॉयर आपको अच्छा नहीं लगेगा, कि आप बहुत जल्दी छोड़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरी लाइफ में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने अबाउट 35-50 इंटर्नशिप्स की है, एंड मैं बहुत फास्ट जंप कर रहा था। आई हैव डन इंटर्नशिप फॉर 3 डेज, आई हैव डन इंटर्नशिप जो 15 दिन में मैं सब कुछ सीख के भाग गया, बट मैंने साइमल्टेनियसली हैव डन इंटर्नशिप फॉर 3-4 मंथ्स ऑल्सो, एंड वन ऑफ दोज यू हैव ओनली हेल्प मी गेट। तो मैंने वो तो इंटर्नशिप्स, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंटर्नशिप एंड व्हाट यू आर लर्निंग। तो मेरे ओपिनियन में कि जैसे ही लर्निंग बंद हो जाता है आपको निकलना चाहिए बिना पैसे को देखे, एंड अगर आपको पैसे अच्छे आ रहे हैं तो आप देखोगे ही। तो इन माय ओपिनियन अनपेड इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट थिंग। सेकंड, यार हर इंटर्न, हर कॉलेज स्टूडेंट को यही क्वेश्चन है कि पहला इंटर्नशिप कहाँ से मिले, क्योंकि इट्स दैट चिकन एंड एग। इंटर्न जो दे रहा है ही वॉन्ट समवन जिसने पास में कुछ किया हो, एंड इसने कभी कुछ किया नहीं है तो कैसे करे। सो ओपिनियन मेरा सिंपल है, इंडिया में एक डेटिंग ऐप है बम्बल, बम्बल पे बम्बल बिजनेस करके कुछ आता है, आई थिंक इंडिया में वो है अभी भी, आई एम नॉट श्योर। हाँ मैं सुना है। हाँ सुना है, प्रोफाइल नहीं बनाया है, बना सकते थे, नहीं बनाया है प्रोफाइल। हाँ तो मैं तो अपने फर्स्ट 10-15 इंटर्नशिप बम्बल से ही लेके आया हूँ। बम्बल के, बम्बल पे जो वेले लोग घूम रहे हैं उनको इंटर्नशिप देने का भी टाइम होता है। करेक्ट, इंटर्नशिप दे देते। करेक्ट, एंड एक्चुअली बताओ ना, कोई बच्चा कॉलेज का राइट बम्बल पे है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर रहा है, इट्स लाइक पिंक एलिफेंट इन द रूम। हाँ राइट, मतलब ये पिंक काउ एज सेथ गॉडन सेज की, ये तो यूनिक चीज हो गई यार, आ जाए कुछ तो तुझमें अनोखी बात होगी। एंड नॉर्मली आप किसी को इंटर्नशिप देना चाहते हो तो आप चाहते हो कि उसमें कुछ एक सीखने की, काम करने की, सोचने की क्वालिटी हो। सो यस, इट्स परफेक्ट, फेयर इनफ।
एंड यार मैं क्या बोलता हूँ ना कि ये बम्बल की इंटर्नशिप यूजुअली टाइम वेस्ट होती है. हाफ ऑफ द टाइम इज नेटवर्क मार्केटिंग MLM स्कैम, तो वो तो करना ही नहीं है. बट द अदर हाफ ऑफ द टाइम इट्स ग्राफिक डिजाइन, मतलब समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू रियली डू वेरी वेल. बट आप किसी कंपनी में चले गए जहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, हाँ, लेकिन और लोग कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसका एक्सपोजर मिलेगा. बिल्कुल. और आपको अभी एक क्लेम है कि आई एम करंटली एन इंटर्न, तो आप इन अ कंपनी, हाँ, इन अ कंपनी करता क्या है वो देखा जो शायद रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, हाँ, तो आप ये क्रेडिबिलिटी लेके नेक्स्ट इंटर्नशिप अच्छी वाली मिल सकती है. इनफैक्ट अभी बच्चों को सिखा रहे हो एक इंटर्नशिप से दूसरा कैसे स्केट करे, 3 दिन में छोड़ दो, 15 दिन में छोड़ दो. देखो मेरा मानना है हाँ, अगर इंटर्नशिप खराब है तो जल्दी छोड़ दो, उसमें ज्यादा यू नो ब्रेकअप करने के पहले सोचने का नहीं. लेकिन जनरली कोई भी चीज़ सीखनी हो आपको तो एटलीस्ट 2-3 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए. एटलीस्ट मैं तो बायस हमेशा आपको चैनल पर दिखता है कि मैं एम्प्लॉयर के एंगल से भी सोचता हूँ, बट नहीं ऑफकोर्स अगर आपके साथ इंटर्न करें तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह, बट मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप स्कैम्स होती है. मतलब आप जाके किस साइज की कंपनी में, हाँ, 2-3 एम्प्लॉय का, 2-3 लोगों की कंपनी थोड़ी होती है, 2-3 लोगों का स्कूल प्रोजेक्ट होता है. हाँ भाई, इनफैक्ट आई हैव इंटर्न फॉर मेनी स्कूल प्रोजेक्ट्स. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. तो एक देयर वाज अ स्कूल प्रोजेक्ट, वो दूध का बॉटल बेचती थी. ओके, इट वाज जस्ट अ प्रोजेक्ट. तो मैंने उनके लिए फोटोग्राफी इंटर्नशिप की. ओके, इंटरेस्टिंग. एक एक स्कूल, एक कॉलेज स्टूडेंट थी हु वाज इंटरव्यूइंग एक्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. मैं उसके लिए भी आई वाज. छोटी कंपनी का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ. छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करने का बेनिफिट ये है कि आप जो काम करते हो उसका इम्पैक्ट दिखता है. लेकिन वो कंपनी इतनी छोटी है कि 2-3 लोग हैं. तो ये जान लीजिए किसी भी कंपनी में फाउंडर के पास आपको सिखाने का टाइम बहुत कम होता है. तो आपका होप है कि आप इंटर्न बन रहे हो, और अनलेस आप सीईओज़ ऑफिस, फाउंडर्स ऑफिस, फाउंडर के साथ क्लोजली काम कर रहे हो. कुछ केसेस में होता है कि इंटर्न्स फाउंडर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ऑलरेडी, वो ऐसे इंटर्न्स होते हैं जिनको जॉब भी ऑलरेडी मार्केट में अच्छी मिली जाएगी, तो वो अलग होता है. लेकिन आप जनरली, आपका होप होता है कि जो फाउंडर है या कंपनी का मैनेजमेंट है, उन्हें जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ काम करो तो आपको मीनिंगफुल काम मिलेगा, और वो आपको थोड़ा सा सिखाएंगे कोच करने का. उनके पास टाइम होगा आपको कोच करने का. फाउंडर के पास, सीईओ के पास आपको कोच करने का समय कभी नहीं होता है, आपको कुछ सिखाने का समय नहीं होता है. तो ज़्यादातर जो आप इंटर्नशिप में सीखोगे और लोगों को देख कर अपने आसपास, यू नो, ऐसे रहोगे तो नहीं सीखोगे, आसपास तो देखोगे तो सीखोगे. सो आपको अपनी आँखें, अपनी सेंसेस भी ओपन रखनी. तो ऐसा कोई इंस्टेंस है जहाँ आप कुछ करने गए इंटर्नशिप में लेकिन कुछ और सीख के रिटर्न आए? एक इंटर्नशिप था यार, जब इट वॉज लाइक अ डेवलपर टाइप इंटर्नशिप, एंड मुझे लगा यार, दिस वॉज इन 2016 जब मैं 16 ईयर्स का था, फर्स्ट इंटर्नशिप. तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब बेसिक HTML आता था, बट दैट्स इट. अभी मैं इसको लेके एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं बहुत कुछ लॉजिक वगैरह सीखूंगा. एंड द इंटर्नशिप बेसिकली बिकेम कि को फाउंडर ऑफ द कंपनी मेरे को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है. दैट वॉज द होल इंटर्नशिप. एंड वो एक्चुअली इन ऑफिस इंटर्नशिप था, तभी वर्क फ्रॉम होम का कुछ सीन नहीं था. तो इट वॉज लाइक इन ऑफिस मैं उसके साथ बैठ के दिन के 4-5 घंटे वो मुझे पर्सनल ट्यूशन देता था. सो दिस वॉज वेरी गुड. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी तक वेब डेवलपर हूँ. अभी सोचो, वेरी इंटरेस्टिंग, 16 ईयर्स की एज पे सम फाउंडर लॉस्ट मनी ऑन मी बाई गिविंग मी पर्सनल ट्यूशन फॉर वॉट एवर रीजन, एंड अभी उसकी वजह से मैं वेब डेवलपर हूँ. विल यू पे इट फॉरवर्ड? 100%. मैं तो बहुत करता हूँ यार. वेरी नाइस. एंड आपने पूरा चैनल भी बनाया है यूट्यूब पर, टू पे इट फॉरवर्ड, टू शेयर योर लर्निंग. सो इनके चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डू चेक इट आउट. मुझे बताइए कि अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है, सो हाउ शुड दे थिंक अबाउट देयर ROI? क्योंकि पैसे तो ज़्यादा मिलने नहीं इंटर्नशिप में. दूसरा, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो इंटर्न्स मेरे यहाँ अप्लाई करते हैं, बोलते हैं आप रिमोट इंटर्नशिप दे दो. अब मेरा रूल है भैया, इंडिया में रिमोट काम नहीं होता है. रिमोट काम का आप स्कैम बोल रहे हो, आप बड़े फ्रैंक हो. मैं बोलता हूँ, मेरा प्यार से कहने का तरीका है, घर से काम कर रहा हूँ का मतलब ये, मैं घर पे हूँ, काम हो तो याद करना, और ज़्यादातर हो सके तो याद मत करना. सो रिमोट वर्किंग मेरे हिसाब से काम नहीं करता. तो इंटर्न अगर मेरे सामने नहीं बैठा है, नहीं चलते फिरते मैं फीडबैक नहीं दे सकता, चाय सुट्टा, चाय मेरा सुट्टा, उसके ऊपर बात नहीं कर सकता मैं उसके साथ, तो वो ज्ञान का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो सकता फ्रेश के साथ, अनलेस वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, स्लैक और बाकी कोलैबोरेटिव टूल्स को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली यूज़ कर सकते हैं. ऐसे लोग मैं मानता हूँ कि फुल टाइम जिनको हायर करते हैं वो भी नहीं होते. तो मैं मानता हूँ रिमोट इंटर्नशिप्स काम नहीं करते. व्हाट इज योर व्यू ऑन? 100% एग्री. तो मैंने तो रिमोट इंटर्नशिप इसलिए किए थे क्योंकि फर्स्ट आई मेरा बिलीफ है कि मेरा ड्राइव है उतना कि मैं कर पाऊँ, एंड सेकेंड की कोविड टाइम, एंड थर्ड की यार मुझे बहुत सारी इंटर्नशिप बहुत कम टाइम में करनी थी. आई वॉज साइमल्टेनियस डूइंग इवन 7 इंटर्नशिप्स एट माई पीक. I really want to meet those 7 companies and take your feedback from them. पता नहीं, I think they will. ठीक है, बट एक कोविड टाइम पे आपने
जो भी किया, देखिए मैंने बताया पहले आपको इंट्रोडक्शन में, ही इज अ मैवरिक, राइट, इनसे जो लर्निंग आप ले सकते हो करो. आई थिंक आई होप आप समझ रहे हो कि लर्निंग ये है कि आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स ट्राई करो. एक इंटर्नशिप करूंगा, सीख जाऊंगा, रेज्यूमे में कुछ आ जाएगा, उस गोल से मत जाओ, सीखने के गोल से जाओ. अगर 7 इंटर्नशिप करके सीख सकते हो ना, आई यू थिंक दोज 7 पीपल यू नो, सो लॉन्ग एज दे नो कि भाई आप कितना काम डिलीवर करने वाले हो, कितना टाइम देने वाले हो, यू आर ट्रांसपेरेंट विद देम, आई थिंक इट्स नॉट अनएथिकल एज सच. अरे बट द इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है ना कि अगर मैंने 40 इंटर्नशिप्स की, उसमें से एक भी फाउंडर का नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया, आई स्टिल हैव दैट कनेक्ट, है ना. सो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एसेंशियली लाइक आई एम एन एंजल इन्वेस्टर इन दीज 40 कंपनीज ऑफ सम सॉर्ट. यू हैव अ रिलेशनशिप विद द कंपनी, एंड कंपनी से अर्ली रिलेशनशिप होना ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं, जब मैं उन्हें मिला, जब हमारी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, तब वो बस कुछ चालू कर रहे थे, या कॉलेज में थे आपकी तरह, जस्ट आपकी तरह ग्रेजुएट हुए थे या कॉलेज में भी मिले. और आज उनकी कंपनीज जो है कोई 1,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, कोई यूनिकॉर्न बन गया है, कोई बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बन गया है, कोई पब्लिक जा रहा है. लेकिन हमारा रिश्ता कितना पुराना है, जब हम दोनों वड़ा पाव खाने के औकात रखते थे, राइट. एंड वो जो पुराने रिश्ते होते हैं ना, उसमें आज मैं अपने एक यूनिकॉर्न फ्रेंड को मिल रहा था जिसने बहुत ही बड़ा यूनिकॉर्न बना लिया है इंडिया में. तो उससे जब बात कर रहे हैं हम, वही कॉलेज में जब बात कर रहे थे वही बात कर रहे हैं. अच्छा, वो आज बड़ा बिजनेसमैन है, मैं कौन हूँ, फर्क नहीं पड़ता. हम एक पर्सनल कनेक्ट है हमारा, हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं. एंड दैट मेक्स ह्यूज डिफरेंस. क्योंकि एक बार कोई बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, बहुत बड़ा स्टार्टअप बन जाता है, उनसे हर कोई बात करने या दोस्ती करने जाता है क्योंकि वो बड़े हैं. करेक्ट. लेकिन आपने उनसे पहचान बनाई, आपने उनसे दोस्ती की जब वो कोई भी नहीं थे, तो उस रिलेशनशिप की डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा होती है. सो आई होप इंटर्नशिप्स के बारे में आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा इस वीडियो में. आपको कोई सवाल हो इंटर्नशिप्स के बारे में तो कमेंट करिएगा. बख्श खुराना साहब का चैनल जो है उसे ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनके चैनल पर जाकर भी इंटर्नशिप के वीडियोस को देखिएगा. सी यू, बाय.